गाइस, एक आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है, वो सिंक क्यों नहीं करती? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। गाइस, दरअसल होता क्या है, आइस जो होती है ना वो वाटर से 9% लेस डेंस होती है, यानी कि वाटर से 9% कम डेंस होती है। पर ऐसा क्यों? सब्सटेंस तो एक ही होता है, आइस में भी वाटर होता है और वाटर में वाटर, मतलब कि सब्सटेंस तो दोनों का एक ही है ना, तो ऐसा क्यों होता है? गाइस, होता क्या है, जब हम वाटर को लोअर टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो उसके जो हाइड्रोजन और उसके जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है बॉन्डिंग, वो कुछ डिफरेंट तरीके से एक्ट करने लग जाती है, वो एक डिफरेंट बॉन्डिंग फॉर्म करने लग जाती है। उसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके एक अलग ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है उसको, वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है एक अलग ही, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, उस स्ट्रक्चर बनने के कारण जो है पानी की जो फ्रीजिंग वाटर, मतलब कि जो आइस होती है, उसकी डेंसिटी को वो कम कर देता है वाटर की डेंसिटी से 9%। तो अगर आपको सवाल नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे, कि शिप जो होती है यानी जहाज़, वो डूबता क्यों नहीं है, पानी में डूबता क्यों नहीं है, और जो एक सिंपल सी निडल होती है वो पानी में डूब जाती है। अब इसका आंसर जानते हैं। तो गाइस, फर्स्ट वाले का आंसर तो आपने समझ लिया होगा, आप सेकंड वाले का समझते हैं कि क्यों एक शिप जो है वाटर पे फ्लोट करती है जबकि उसका वज़न एक निडल से कई लाखों गुना, कई गुना ज़्यादा होता है, पर एक निडल जो है सिंक कर जाती है। इसको जानने के लिए गाइस आपको एक कंडीशन जाननी पड़ेगी कि वाटर किन चीज़ों को फ्लोट करने देता है और किन चीज़ों को वो है सिंक करता है। तो वाटर की कुछ ऐसी कंडीशन है कि वाटर कहता है कि भाई जिसकी डेंसिटी है ना मेरे से अगर कम हुई तो वो तो मेरे पे फ्लोट करेगी, और जिसकी डेंसिटी मेरे से ज़्यादा हुई वो मेरे अंदर सिंक कर जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए गाइस, जो एक शिप होती है उसका जो है वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि शिप काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो जो शिप की वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है, तो हैंस डेंसिटी कम हो जाती है और वो वाटर पे फ्लोट करने लग जाती है। पर उसी केस में जो निडल होती है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, कम होती है, यानी कि उसने कम एरिया कवर करके रखती है, निडल काफ़ी छोटी सी होती है तो उसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो बहुत कम होती है, तो उसके कारण डेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, और वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा इंक्रीज़ होते ही पानी में सिंक कर जाती है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, और हो सके तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल दिया हूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए